हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू आईएफएस ऑनलाइन और जैसे कि आपको पता है पॉलीमर हम प्रोसीड करें पॉलीमर के लेक्चर हम डिस्कस करें इसमें तीन लेक्चर भी हमने डिस्कस किए और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर पार्ट हमने समझ लिया है और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में प्रीवियस लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था जिसमें हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस मोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे जो चार क्लासिफिकेशन थे वो हमने देखे इसमें इलेस्टोमर्स के बाद फाइबर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पार्ट हमने डिस्कस किया उसके बाद फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कौन से बेसिस पे था आप बताओ जिसमें हमने एडिशन एज वेल एज कोपोलिमर सॉरी एडिशन एज वेल एज कंडेंसेशन पॉलीमर डिस्कस किया तो सिंथेसिस के बेसिस पे मोड्स ऑफ सिंथेसिस के बेसिस पे फर्दर हमने क्लासिफिकेशन किया था एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमने देखा था कि सेम काइंड ऑफ मोनोमर यूज कर रहे थे और कंटिन्यूस चेन फॉर्म हो रहे थे जिसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं था कोई भी एलिमिनेटिंग एलिमिनेशन होने वाला पार्ट नहीं था वो एडिशन पॉलीमर था उसके बाद उसके एग्जांपल देखे थे पीवीसी एंड पॉलीथीन सिमिलरली कंडेंशेशन पॉलीमर मीन्स को पॉलीमर के जो एग्जाम्पल है मोर देन टू टाइप्स ऑफ मोनोमर्स हम यूज करते हैं कंडेंशेशन पॉलीमर के कैटेगरी में हमने उसे कैटेगराइज किया था और कंडेन्सेशन पॉलीमर मीन्स वहाँ पर बाई प्रोडक्ट मिलेगा लाइक वोटर अमोनिया या फिर अल्कोहल अमाइन एसिड ऐसे बाई प्रोडक्ट मिल सकते एक एग्जाम्पल हमने देखा था कि में एंड एलिपिक एसिड से हमने कंडेंसेशन रिएक्शन की थी एसिड प्लस अमाइन का कंडेंसेशन करके हमें अमाइड फॉर्मेशन हुआ था और अमाइड फॉर्मेशन जब हो रहा था तब हमें पता चला कि यहाँ से वॉटर मोलिक्यूल इलिमिनेट हो रहा है वाटर मोलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल रहा है एग्जाम्पल क्या था कंडेंसेशन पॉलीमर का था ठीक है अब एडिशन पॉलीमर का हम मैकेनिज्म देखेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन में बस हमने देखा कि पीवीसी एज वेल एज पॉलीथिन को एग्जांपल है जिसमें पर्टिकुलरली होमो पॉलीमर के एग्जांपल देखे जिसमें मोनोमर जो है वो सिमिलर हमने यूज किया था नाउ इस फोर्थ लेक्चर में लेक्चर कितना है हमारा लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर हमारा फोर्थ है इस पर्टिकुलरली फोर्थ लेक्चर में इस फोर्थ लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे फोर्थ लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म स्टेप्स कौन से इनवॉल्व है एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपको पता है कि मोनोमर रिपीटिंग यूनिट ऐड हो रहे हैं और वहां से कोई बाय प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल रहा है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन की चेन फॉर्म हो रही थी पॉलीथीन में अब यहाँ पे हम उस एडिशन पॉलीमराइजेशन की स्टेप्स कौन सी है वो डिस्कस करेंगे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था एडिशन पॉलीमराइजेशन फर्दर इन ऑल थ्री स्टेप जो तीन स्टेप है इनिशिएशन इनिशिएट करना रिएक्शन को प्रोपोगेशन प्रोत्साहित करना प्रोपोगेट करना चेन इलाशन और थर्ड स्टेप चेन टर्मिनेशन उसे चेन को हम टर्मिनेट कैसे करेंगे तीनों पार्ट यहां पे हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो हेडिंग डाल दो हेडिंग क्या होगा इसका आज के लेक्चर का एडिशन पॉलीमराइजेशन हेडिंग क्या होगा एडिशन पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमराइजेशन को ही हम क्या बोल सकते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन ठीक तो है तो यहां पे हेडिंग डालो एडिशन पॉलीम पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन आर ऑल्सो कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलिमराइजेशन चेन ग्रोथ पॉलिमराइजेशन सो कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलिमराइजेशन रीडिंग डाल दिया आपने एडिशन पॉलिमराइजेशन स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं उसके एग्जाम्पल भी डिटेल में देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसीड करें बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कमर्शियल यूज़ भी इसके क्या है मैक्सिमम है जैसे आपको पता है डेली रूटीन के यूज में आप कितने टाइम पॉलिथीन की बैग यूज़ करते हो कितने बार क्लॉथ्स पॉलिस्टर यूज करते हो उसका कमर्शियल यूज जो है वो मैक्सिमम है इसलिए हम यहाँ पे वो डिस्कस करें ठीक है नाउ यहाँ पे टाइप जो है वो डिस्कस करेंगे एडिशन पॉलीमर एडिशन पोलिमराइजेशन विल बी क्लासिफाइड इनटू फोर सॉरी इनटू थ्री टाइप्स इनटू मेनली थ्री टाइप्स फर्स्ट जो है वो क्या है फर्स्ट है फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल

कार्बन एन में क्या होगा कार्बन एन मीन ट्राई वैलेंस स्पेसिस विच इज कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस एट मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है तो इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस वो क्या होगी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होगी उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगे ज्यादा रहेंगे ठीक है फर्स्ट है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन नेक्स्ट है कैटोनिक पॉलीमराइजेशन कैटोनिक पोलिमराइजेशन एंड जो थर्ड टाइप है थर्ड टाइप का नाम क्या है एनोइनिक पोलिमराइजेशन एनोइनिक पोलिमराइजेशन क्या है एनोइनिक पोलिमराइजेशन उसमें से स्टेप बाय स्टेप वन पार्ट हम डिस्कस करेंगे वन टाइप डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल में हम जो इनिशिएशन प्रोपोगेशन चेन टर्मिनेशन वाला पार्ट डिस्कस करने वाले इसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो हेडिंग डाल दो हेडिंग क्या होगा फर्स्ट फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन अब फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में तीन स्टेप इन्वॉल्व है एक इनिशिएशन सेकेंड प्रोपोगेशन एंड थर्ड जो है वो चेंज टर्मिनेशन तो क्या होगी इनिशिएशन स्टेप क्या होगी प्रोपोगेशन स्टेप क्या होगी चेंज टर्मिनेशन स्टेप ये भी डिटेल में देखेंगे उससे पहले फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में जनरली जो कंडीशन हम यूज करते हैं वो कंडीशन क्या है तो कंडीशन क्या है इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल और हीट ए रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगी तो कंडीशन क्या होगी इसकी प्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में जनरली हम हीट हीट का सिंबल है का सिंबल है और फोटोकेमिकल एच म्यू लाइट फोटोकेमिकल कंडीशन और हीटिंग कंडीशन हम जनरली इसमें क्या करते हैं यूज करते हैं Generally condition कौन से यूज होंगे इसमें फोटोकेमिकल कंडीशन और हीटिंग कंडीशन ठीक है तो ये दो condition यहाँ पे हो ठीक है ठीक है लाइट का सिंबल है ठीक है इसमें क्या यूज करेंगे जनरली आइदर हीट और लाइट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है तो इसमें तीन स्टेप है फर्स्ट स्टेप जो रहेगी उसे स्टेप फर्स्ट हम लिखते हैं स्टेप फर्स्ट तो स्टेप फर्स्ट में क्या है स्टेप फर्स्ट में हम बोल सकते हैं इट इज एन इनिशिएशन स्टेप इनिशिएशन और इनिशिएटिंग स्टेप अब इनिशिएटिंग स्टेप मतलब हमारे पास जो मोनोमर है वो ऐसे ही रिएक्ट नहीं हो सकता उसके लिए कुछ इनिशिएटर की प्रोत्साहित करने वाले ग्रुप की नीड रहेगी और वो कौन सा है रेडिकल इसमें हमने देखा है फ्री रेडिकल पोलिमराइजेशन तो रेडिकल कैसे फॉर्म हो सकता है विद द हेल्प ऑफ बेंजाइल बेंजोइल परऑक्साइड पर वर्ड यूज बहुत ही यूजफुल है परॉक्सी बॉन्ड परॉक्सी मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन परॉक्सी हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसमें परॉक्सी बॉन्ड है मतलब ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है उसे हम क्या कहेंगे परॉक्सी बॉन्ड तो इनिशिएशन स्टेप में हम क्या यूज कर सकते हैं बेंजोइल परऑक्साइड सेकंड हम यूज कर सकते हैं एसीटिल थर्ड हम यूज कर सकते थर्ड क्या है डायऑक्साइड यूज कर सकते डाइऑक्साइड। मतलब अब का स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर ग्रुप है कार्बन से कनेक्टेड है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है फर्दर यही पार्ट कार्बन से कनेक्टेड है डबल बॉन्ड है यहाँ पे आर है अब यहाँ पे मैंने आर ग्रुप लिखा है आर में अगर हम बेंजीन लिखेंगे तो बेंजिल होगे। परोक्साइड हो गए मतलब मिथिल ग्रुप लिखेंगे तो ये एसिटाल स्ट्रक्चर होगा और इसमें सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है यहाँ पे दो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे बॉन्ड इसे हम क्या कहेंगे बॉन्ड दो ऑक्सीजन के बीच इसे, इसे, इसके लिए इसे हम क्या कहेंगे बॉन्ड परऑक्साइड और परोक्सी बॉन्ड और परऑक्सी बॉन्ड है तो क्या करेगा अगर हम हीट और फोटोकेमिकल कंडीशन इस पे यूज करेंगे तो ये होमोलाइटिकली क्लीव होगा होमोलाइटिकली क्लीव होगा मतलब क्या होगा ये जो बॉन्ड है जनरली आपको पता है एक जो बॉन्ड है दो इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है और अगर इसमें से मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के तरफ लेके गए एक्स एंड वाई उसे हम कहेंगे होमोलाइटिक बॉन्ड क्लिवेज और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लिवेज में एक्स एंड वाई पे क्या फॉर्म हो गए रेडिकल तो ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे मैजिक बॉक्स में लिखो इसे हम कहेंगे होमोलिसिस इस प्रोसेस को क्या कहेंगे होमोलिसिस प्रोसेस को क्या कहेंगे होमोलिसिस जिसमें रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन जो कंडीशन हमने यहां पे यूज है वो क्या है फोटोकेमिकल और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे होमोलिसिस क्या कहेंगे होमोलिसिस अब हेट्रोलिसिस क्या है फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई में बॉन्ड है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके वाई जा रहा है एक्स पे आएगा पॉजिटिव चार्ज वाई पे रहेगा निगेटिव चार्ज बॉन्ड दोनों के तरफ सिमिलर इलेक्ट्रॉन थोड़ी जा रहे इलेक्ट्रॉन जा रहे वाई की तरफ तो इलेक्ट्रॉन रीच रहेगा ये रहेगा इलेक्ट्रॉन डिपिशन ए रहेगा एनायन ए रहेगा केटन ठीक है तो ये जो बॉन्ड क्लिव हुआ वो क्या हुआ हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लिव दोनों के तरफ सेम इलेक्ट्रॉन नहीं आए क्योंकि यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बनता है दोनों इलेक्ट्रॉन वाई लेके जा रहे तो ये होगा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज दो तो ही बॉन्ड क्लिवेज के एग्जाम्पल है बॉन्ड क्लिवेज और हेट्रोलाइटिक्लीवेज यहाँ फोटोकेमिकल के और अपटर हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लिवेज जिसे हम हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करेंगे यहाँ पे क्या फॉर्म होगा ध्यान से देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ रेडिकल प्लस यहाँ पे ओ रेडिकल सी डबल बॉन्ड ओ आर ठीक है यहां से मैंने क्या किया है बॉन्ड को क्लीव किया है फर्दर क्या होगा यहाँ पे आप देख सकते हो आर एंड सी कार्बन और आर के बीच जो बॉन्ड था वो क्लीव होगा तो मुझे मिलेगा आर रेडिकल प्लस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रेडिकल एंड ऑक्सीजन रेडिकल ठीक है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रेडिकल एंड ऑक्सीजन रेडिकल मतलब यहां से दो रेडिकल के बीच में यहाँ पे फर्दर क्या होगा सिंगल हेडेड एरो एक ही फिश हुक फिश पकड़ने का जो हुक रहता है फिश हुक लाइक like एरो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं जो होमोलाइटिक्लिज में एक हेड है इसे इंडिकेट हो रहा है कि दोनों एटम के तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है अब ये जो बाहर निकला वो क्या है यहाँ पे देखो सीओ टू ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन रिमोल ऑफ सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या होगा लॉस होगा तो यहाँ पे हमें रेडिकल मिला आर रेडिकल सिमिलरली इसके केस में भी क्या होगा माइनस सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होके आर रेडिकल फॉर्म होगा कैसे होगा ए बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा ए बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और आर पे रेडिकल एक स्टेप में अभी मैंने दिखाया है यहाँ पे कैसे हुआ इस दोनों ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में रेडिकल फॉर्म हुआ और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हुआ है उसमें फर्दर क्या हुआ बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब फॉर्म क्या हुआ सी ओ टू कार्बन डाई ऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होता है और आर रेडिकल हमें यूजफुल क्या है आर रेडिकल ठीक है तो ये यह यहाँ पे ध्यान रखो रेडिकल फ्रॉम दिस रिएक्शन विल बी फॉर्म एंड यहाँ पे याद रखना है जो आर रेडिकल हमें फॉर्म हुआ है आर रेडिकल फॉर्मेशन और रेडिकल फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं रेडिकल फॉर्मेशन यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है रेडिकल जो रेडिकल हमें फर्दर स्टेप में यूज होने वाला है इनिशिएट कर रहे मोनोमर को रिएक्ट होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं इसलिए रेडिकल फॉर्म किया और जो रेडिकल है इट इज यूज इट इज यूज फॉर फर्दर रिएक्शन फर्दर रिएक्शन के लिए ये क्या होगा यूज होगा अब फर्दर रिएक्शन क्या होगी हमारे पास क्या है आर रेडिकल हमारे पास फॉर्म हुए हैं दो अब इसमें हमने क्या किया CH2 टू डबल बोन CH2. टू और इन प्रेजेंस ऑफ हीट फोटोकेमिकल कंडीशन में यहाँ पे भी पाए बॉन्ड है तो इसीलिए मैंने यूज किया था मस्ट बी यूज इन एडिशन पॉलीमराइजेशन तो जैसे ही इस डबल बॉन्ड का होमोलाइटिकली बॉन्ड क्लीवेज होगा मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखता हूँ क्या मिलने वाला है या फिर आगे ही लिखते हैं यहाँ पे आर रेडिकल तो है ही एक तो मेरे पास आर रेडिकल है इसे मैंने आर आर की जगह पे हम बेजिन लिख सकते कब अगर आर इज इक्वल टू बेंजिन लिया अगर मिथिल लिख सकते अगर लिया तो यहाँ पे मैं, मैंने आर क्यों लिया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप होता हो सकता है हाइड्रोकार्बन की चेन हो सकती है अब ये यह देखो यहाँ पे होमोलाइटिकली बॉन्ड जैसे ही क्लीव होता है टी एच टू टी एच टू के बाद पास जो डबल बॉन्ड था उसका कन्वर्जन किस में होगा सिंगल बॉन्ड में इसके ऊपर एक रेडिकल आएगा इसके ऊपर एक रेडिकल आएगा और फर्दर जो है आर और सी एच टू एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए और जैसे ही यहाँ पे कंबाइन होते हैं फॉर्मेशन ऑफ आर सी एच टू सी एच टू रेडिकल यहाँ पे आर सी एच टू सी एच टू रेडिकल मतलब यहाँ पे क्या हुआ है आर रेडिकल ने जो मोनोमर था उसे इनिशिएट किया धक्का दिया पुश किया ताकि तू आगे रिएक्शन कर अब इसके बाद क्या है अनादर मोनोमर हम यूज कर सकते हैं इथिन का अनादर मोनोमर यूज कर सकते हैं इसका भी होमोलाइटिकली बॉन्ड क्लिवेज होगा तो मेरे पास जो फॉर्म होगा आर सी एच टू सी एच टू रेडिकल और यहाँ पे फर्दर सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू यहाँ पे एक रेडिकल है यहाँ पे एक रेडिकल अब इन दोनों के बीच में फर्दर बॉन्ड फॉर्मेशन और जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यहां पे क्या हो सकता है आर सी एच टू सी एच टू और यहां पे हम लिख सकते थोड़ा सा मैं यहाँ पे रब करता हूं और एक्सटेंड करके लिखता हूं ताकि आपको इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग फर्दर क्या हो सकता है आर कनेक्टेड विथ सी एच टू कनेक्टेड विथ सी CH2 टू और इस रेडिकल रेडिकल में क्या हुआ है Bond का फॉर्मेशन हुआ है दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे सी टू और फर्दर यहाँ पे कनेक्टेड है सी एच टू जिसके ऊपर ठीक है ठीक है यहां से स्टेप कहां पे प्रोसीड हुए इस डायरेक्शन तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप हुए उसे हम क्या कहेंगे इनिशिएट कर रहे हैं मोनोमर को हमारा जो रेडिकल फॉर्म हो रहा है आर रेडिकल वो क्या कर रहा है इनिशिएट कर रहा है धक्का दे रहा है रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए स्टार्ट कर रहे रिएक्शन ठीक है, है? अब ये हो गई इनिशिएशन स्टेप इसे क्या कहेंगे स्टेप को हम इनिशिएशन स्टेप अब स्टेप सेकंड डिस्कस करेंगे सेकंड स्टेप क्या होगी अब हमारा स्टार्टिंग मटेरियल इनिशिएट हुआ है प्रोत्साहित हुआ है रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए अब इनिशिएशन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहेगी उसे हम कहेंगे प्रोपोगेशन स्टेप यहां पे हेडिंग क्या होगा नेक्स्ट जो स्टेप है स्टेप सेकेंड वो क्या है प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन स्टेप प्रोपोगेशन स्टेप ऑल्सो कॉल्ड एज चेन इलोंगेशन स्टेप प्रोपोगेशन स्टेप को ही हम क्या बोल सकते हैं चेन इलोंगेशन चेन लॉन्गेशन स्टेप चेन क्या होगी इलोंगेट होगी फॉर एग्जाम्पल हमारा फॉर्म क्या हुआ है आर टी एच टू टी एच टू सी एच टू टी एच टू रेडिकल ये हमें फर्स्ट स्टेप में मिला है और इसमें हमने चेन अगर इलांगेट की मतलब एन नंबर ऑफ सी एच टू डबल बोन सी एच टू यूज किए तो यहाँ पे भी होमोलाइटिकली बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ऐसे बॉन्ड क्लिवेज होगा और फॉर्मेशन ऑफ आर सी एच टू टी एच टू सी एच टू सी एच टू रेडिकल यहाँ पे एन नंबर ऑफ सी एच टू ग्रुप आते रहेंगे यहाँ पे एन नंबर ऑफ सी एच टू ग्रुप जुड़ते ही रहेंगे जो चेन है वो इलांगेट होती ही रहेंगे समझ में आ रहा है यहाँ पे चेन जो है इलांगेट होती रहेंगी अब चेन तो इलोंगेट हो रही जितने ज्यादा मोनोमर उतनी ज्यादा इलांगेट चेन यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ अगर मैंने मोनोमर लिए तो थाउजेंड्स कार्बन यहाँ पे ऐड होते जाएंगे अगर एक करोड़ लिए तो एक करोड़ की चेन बनेगी मतलब एक चेन जो है बढ़ती ही जा रही बढ़ती ही जा रही पॉलीमर बनता ही जा रहा है तो उटा सा एक यूनिट था जो मोनोमर था स्मोलेस्ट यूनिट था माइक्रो यूनिट था उससे हमें जोड़ जोड़ के मैक्रो मोलिक्यूल बड़ा मोलिक्यूल बन रहा है इसमें चेन जो है बढ़ती ही जा रही तो उसके लिए कुछ तो हमें स्टॉप करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रोसेस करनी पड़ेगी नहीं तो ये लगातार लंबी चेन बढ़ती ही रहेगी तो इसके लिए हम थर्ड स्टेप यूज करेंगे जिसमें टू टाइप्स के स्टेप हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे थर्ड जो स्टेप है स्टेप थर्ड उसे हम कहेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप ये जो चेन बढ़ रही है उसे कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा तो उसमें हम लिखेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप और जो चेन स्टर्मिनेशन स्टेप है वो दो मेथड से हम यहां पे डिस्कस करेंगे वाया कॉम्बिनेशन वाया कॉम्बिनेशन वाया कॉम्बिनेशन तो पहले कॉम्बिनेशन मेथड क्या है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो सेकंड मेथड है वो भी डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्या है वाया कॉम्बिनेशन हम चेन को टर्मिनेट कर रहे हैं अब कॉम्बिनेशन क्यों क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे रेडिकल कितने फॉर्म हुए थे आर रेडिकल दो हुए थे यहाँ पे मैंने यूज कितना किया एक दूसरा है दूसरे मोनोमर्स के साथ कंबाइन होता रहा होगा और ऐसे दो यूनिट्स मिल सकते हैं मुझे कितने यूनिट्स टू तो यूनिट्स तो यहाँ पे मैं लिखता हूं आर सी एच टू बॉन्ड सी एच टू टाइम्स है यहाँ पे फर्दर सी एच टू सी एच टू रेडिकल एक यूनिट ये है ऐसा सिमिलर दूसरा भी यूनिट हो सकता है जैसे मैंने लिखा आर DH2, जो दूसरे रेडिकल के साथ सेकेंड यूनिट फॉर्म हुआ है जिसमें हमने मोनोमर यूज किया ऐसा दूसरा और दूसरा जो रेडिकल है इसका भी यही प्रोडक्ट होगा और दोनों का अगर मैंने ऐसे रिकॉम्बिनेशन किया कॉम्बाइन किए दोनों को अगर जोड़ दिया दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए यहाँ पे मैंने क्या किया दोनों को क्या किया है कंबाइन किया है जो दो मेरे पास पॉलीमर के यूनिट्स फॉर्म हुए थे यहाँ पे थोड़ा सा मैं पास करके लिखता हूँ यहाँ पे रेडिकल है और दो हाइड्रोजन है यहाँ पे भी रेडिकल प्लस टू हाइड्रोजन और इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया बॉन्ड का फॉर्मेशन किया दोनों के पास एक एक रेडिकल है तो वो क्या कर सकते हैं इन दोनों में बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं कंबाइन हो सकते हैं क्या हो सकते हैं कंबाइन हो सकते हैं और जैसे मैं उसे कंबाइन करता हूँ फॉर्मेशन ऑफ आर सी एच टू सी एच टू एन नंबर सी एच टू सी एच टू और यह फर्दर इसके साथ बाइंड हुआ सी एच टू यहाँ पे हम लिख सकते आर सी एच टू बॉन्ड सी एच टू एन नंबर फर्दर कनेक्टेड विद टू दिस कार्बन यहाँ पे कार्बन के साथ क्या हुआ है कनेक्टेड हुआ है ठीक है ये जो दो यूनिट थे वो दो यूनिट क्या हुए यहाँ पे कंबाइन हुए और दो यूनिट कंबाइन हुए मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन रहा और बॉन्ड फॉर्मेशन जैसे फॉर्म हो रहा है यहाँ पे कोई रेडिकल का फॉर्मेशन ही नहीं रहा रेडिकल कुछ बचा ही नहीं दोनों साइड से ही जो रिंग बढ़ रही थी तो दोनों को हमने मिला दिया जैसे दोनों का मिलन हो गया वो जो है रिंग की टर्मिनेशन हो गया रिंग जो है आगे इलोंगेशन हो रही थी वो स्टॉप हो गई तो उसे हम क्या कहेंगे वाया कॉम्बिनेशन मेथड जो टू इलॉन्गेटेड चेन थी उसका अगर मैंने कम्बिनेशन किया जो कॉम्बिनेशन करने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो गई उसे हम कहेंगे चेन टर्मिनेशन रिएक्शन चेन टर्मिनेशन प्रोसेस ये क्या है चेन टर्मिनेशन प्रोसेस वाया कॉम्बिनेशन अब ये हो गए कॉम्बिनेशन नेक्स्ट स्टेप क्या है नेक्स्ट जो टाइप है वो नेक्स्ट टाइप क्या होगी वो भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चेन टर्मिनेशन चेन टर्मिनेशन और डायरेक्टली हम टर्मिनेशन भी लिख सकते हैं टर्मिनेशन टर्मिनेशन वाया डिसोपोर्शन रिएक्शन वर्ड याद रखना है डिस प्रोपोर्शन डिस प्रपोर्शन रिएक्शन डिस प्रोपोर्शन रिएक्शन से भी चेन क्या कर सकते टर्मिनेट कर सकते स्टॉप कर सकते अब मुझे बताओ आप बताओ डिस प्रोपोर्शन मतलब होता क्या है डिस प्रोपोर्शन रिएक्शन में आपके लिए कुछ समय है कुछ टाइम है टाइम में आपको बताना है डिस प्रोपोर्शन क्या है क्या होगा डिस प्रोपोर्शन क्या होगा डिस प्रोपोर्शन डिस प्रोपोर्शन रिएक्शन मीस जिस रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इन अ मोलिक्यूल होगा मतलब रेडॉक्स रिएक्शन क्या बोल सकते हैं उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है उस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन एग्जांपल क्या है रेडॉक्स रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होगा यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन अब रेडॉक्स रिएक्शन से हम कैसे चेन को टर्मिनेट कर सकते वो भी हम यहाँ पे देखते फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्म हुआ है आर फर्दर कनेक्टेड विथ the सी एच टू फर्दर कनेक्टेड विथ सी एच टू इसके कितने यूनिट्स हैं मोनोमर के एन फर्दर कनेक्टेड विथ सी एच टू फर्दर कनेक्टेड विथ सी एच टू और इसके ऊपर है रेडिकल और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस सी एच टू को थोड़ा सा खोल के लिखता हूँ मतलब यहाँ पे लिखता हूँ सी एच और इसका एक एच और इसमें अगर मैंने फोटोकेमिकल कंडीशन यूज की फोटोकेमिकल कंडीशन लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन की लाइट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो रहे तो ये हाइड्रोजन होमोलाइटिकली क्लीवेज होगा उसके तरफ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एज वेल एज इस कार्बन के तरफ एक इलेक्ट्रॉन आएगा और जैसे हाइड्रोजन और कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा एच रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पे हम लिखते हैं एच रेडिकल यहाँ पे क्या मिला है हमें एच रेडिकल इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया एज वेल एज जो चेन थी आर सी एच टू सी एच टू एन नंबर फर्दर कनेक्टेड इस रेडिकल और रेडिकल दो रेडिकल बने हैं एक ऑलरेडी प्रेजेंट था दूसरा हमने कैसे फॉर्म किया है इस एच एंड सी एच के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करके ठीक है अब यहाँ पे जो दो रेडिकल हुए उसमें भी बॉन्ड फॉर्म हो सकता है में भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है और जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आर सी एच टू सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू कंपाउंड फॉर्म होगा तो इसमें भी चेन क्या होगी टर्मिनेट हो गई स्टॉप हो गई एज वेल एज ए फर्स्ट सेकेंड में क्या है सेकेंड हम बोल सकते आर सी एच टू सी एच टू एन नंबर सी एच टू सी एच टू रेडिकल ऐसे दो यूनिट्स फॉर्म हुए एक ए है ए सेकेंड है फर्स्ट में मैंने क्या किया जो, कार... जो कार्बन था जिसपे रेडिकल था उसके नेक्स्ट कार्बन का होमोलाइटिक क्लीवेज किया हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में और रेडिकल का फॉर्मेशन किया जिसमें मुझे एच रेडिकल एज वेल एज सी एच रेडिकल मिला जिस सी एच रेडिकल एंड सी एच टू रेडिकल में मैंने बॉन्ड फॉर्मेशन किया तो मुझे क्या मिला डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या मिला डबल बॉन्ड सिमिलरली जो यहाँ पे एच रेडिकल मिला है यहाँ पे क्या हुआ है एच रेडिकल मिला है और एच रेडिकल जो दूसरी चेन है उसके साथ रिएक्ट कर सकता हूं मैं और दूसरे के साथ अगर रिएक्ट करूंगा तो यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो क्या रहेगा आर सी एच टू सी एच टू एन नंबर और यहाँ पे क्या रहेगा सी एच टू एंड यहाँ पे सी एच टू था उसका कन्वर्जन सी एच थ्री में होगा दो तो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन कंबाइन होके यहाँ पे क्या फॉर्म होगा मिथिल फॉर्मेशन होगा क्या होगा मिथिल का फॉर्मेशन एक एंड पे क्या आएगा मिथिल तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है फर्स्ट स्टेप में लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन यहाँ पे लॉस होता है रिमोल ऑफ हाइड्रोजन रिमो ऑफ हाइड्रोजन रिमोल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड एज रिमोल ऑफ हाइड्रोजन तो इट इज ऑक्सीडेशन हम क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन और इसमें क्या हो रहा है एडिशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सो इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो हाइड्रोजन रेडिकल क्या हो रहा है एड हो रहा है हाइड्रोजन रेडिकल हमें मिला कहाँ से जो पहले स्टेप में यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहले स्टेप में क्या था पहले स्टेप में क्या था हमने होमोलाइटिकली सी एच बॉन्ड क्लीवेज किया था उससे हमें मिला था एच रेडिकल और वही रेडिकल हमें दूसरे स्टेप में जो दूसरी चेन बनी है जो बढ़ती ही जा रही है उसको टर्मिनेट करने के लिए हमने एच एड किया सो इट इज कॉल्ड एज डिसपोर्शनेशन रिएक्शन तो इसे हम क्या कहेंगे डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन डिस प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या हुआ टू स्टेप हुई स्टेप फर्स्ट रिमोवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल तो हाइड्रोजन रेडिकल यहां से रिमूव हो रहा था सो इट इज कॉल्ड एज सो इट इज सो तो इट इज ऑक्सीडेशन एंड स्टेप सेकेंड में यहां पे क्या हुआ स्टेप नहीं बोल सकते लेकिन विद इन हम जो दोनों रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में होती है वो क्या होगी एडिशन हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो कि मिथिल का फॉर्मेशन हुआ है तो उसे हम क्या कह सकते हैं सो इट इज रिडक्शन इसे हम क्या कहेंगे रिडक्शन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है और हमने हाइड्राइड एड किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो यहाँ पे जब हाइड्राइड होता है तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होके ओ माइनस और यहाँ पे H, और पे हाइड्राइड ये भी प्रोटोनेट होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पे हमने क्या किया हाइड्रोजन को ऐड किया तो अल्डेड का कन्वर्जन हमने यहाँ पे किस में किया है अल्कोहल में तो ये क्या हुआ रिडक्शन तो रिडक्शन के समय पे क्या होता है हाइड्रोजन का एडिशन होता है रिमोवल्ड ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉरमेशन ऑफ अल इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन यहाइड्रोजन होगा वहां पर हम क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन रियक्शन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ठीक है तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैंने दिखाया जिसमें फोटोकेमिकल प्लस लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड हुई तो उसमें हमने देखा फर्स्ट लेक्चर नंबर फोर जो है पॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स फर्स्ट फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन सेकेंड केटनिक पॉलीमराइजेशन थर्ड एनोइनिक पॉलीमराइजेशन उसमें हमने डिस्कस किया फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में हम कंडीशन जो यूज करेंगे वो क्या रहेगी हीट और लाइट इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट यहाँ पे रिएक्शन होगी और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज विल बी टेक्स प्लेस वॉट इज मीन बाई होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो बॉन्ड था वो कैसे क्लीव हुआ सिंगल हीडेड एरो फिश हुक लाइक एरो फिश पकड़ने का जो हुक रहता है उस हुक के शेप का ये एरो दिखाई दे रहा है फिश हुक लाइक एरो सिंगल हीडेड जिसका हेड कितना है सिंगल है एक है तो इसे हम क्या कहेंगे होमोलिसिस और होमोलिसिस में फॉर्मेशन जो होने वाला है वो क्या रहेगा होमोलिसिस में रेडिकल का फॉर्मेशन एक्स रेडिकल वाई रेडिकल तो कैसे कर सकते हैं जिसमें हमने बेंजाइल ऑक्साइड और बेंजाइल परॉक्साइड में परोक्सी बॉन्ड है जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल देखा था हाइड्रोजन परॉक्साइड हाइड्रोजन पर जिसमें परॉक्सी बॉन्ड है एस टू ओ टू बार शॉप में आप देखोगे हाइड्रोजन परॉक्साइड रहते हैं या फिर हमारे को अगर हमें अगर कोई जख्म होती है या फिर हमारा कहाँ से खून निकल रहा है या फिर वहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं हाइड्रोजन परॉक्साइड लगाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड से वो जगह जो है वो क्लीन करते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड वहां पे यूज होता है ठीक है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में भी है ऑक्सीजन ऑक्सीजन वो क्लीव होते ही यहां पे रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और डाइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन रिमोव ऑफ सीओटोटो रिमोव के यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन होने वाला है रेडिकल का जो फॉर्मेशन होने वाला है हमें मोनोमर को इनिशिएट करने के लिए यूज करना है तो इस स्टेप को हम क्या कहेंगे इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन इनिशिएशन स्टेप प्रोत्साहित प्रोत्साहन देने वाले प्रोत्साहित करने वाली स्टेप या तो फिर गाड़ी को स्टार्ट करने वाली, रिएक्शन को प्रोसीड करने वाली स्टेप इसे हम कहेंगे इनिशिएशन स्टेप नेक्स्ट जो है नेक्स्ट यूज क्या करेंगे हम नेक्स्ट जो है इनिशिएशन स्टेप में मोनोमर यूज करेंगे मोनोमर यूज करके ल, जो है रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे जिसमें टर्मिनल पोजीशन पे रेडिकल रहेगा उस रेडिकल को फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे प्रोपोगेट करेंगे चेन इलोंगेशन करेंगे उस चेन को हम बढ़ाएंगे कैसे बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पे सिंपल है एन नंबर ऑफ मोनोमर यूज करो ओमोलैटिकली बॉन्ड क्लिक होगा क्योंकि फोटोकेमिकल कंडीशन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और होमोलैटिकली जैसे बॉन्ड क्लिवेज होता है चेन प्रोपोगेशन रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस चेन प्रोपोगेट होते ही जाएगी होते ही जाएगी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है वो बनते ही जाएगी जितने मोनोमर यूज करेंगे उतनी वो प्रोपोगेट होते ही रहेगी उस प्रोपोगेशन को मुझे क्या करना है स्टॉप करना है तो उसके दो मेथड है कॉम्बिनेशन मेथड और कॉम्बिनेशन मेथड में सिंपली आपको याद रखना है दो जो लॉन्गेस्ट चेन बनी है जो बढ़ती ही जा रही है दोनों को मिला दो दोनों एक दूसरे के साथ टर्मिनल एंड से मिलेगी जहाँ पे रेडिकल फॉर्म है और जैसे ही वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होगी उस स्टेप को हम कहेंगे चेन टर्मिनेशन रिएक्शन और चेन स्टॉपिंग रिएक्शन और इसमें क्या होगा इसमें जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस हमारा पॉलीमर बन रहा था स्टॉप होगा नेक्स्ट क्या है टर्मिनेशन वाया डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन जिसमें इन्वॉल्व होगी रेडॉक्स रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन में क्या है जहाँ पे रेडिकल जिस कार्बन पे है उसके पहले वाला कार्बन नेक्स्ट वाला कार्बन जो है अल्फा कार्बन उस कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है होमोलैसिस से होमोलैटिक बॉन्ड के लिए हमें क्या करना है ब्रेक करना है हाइड्रोजन रेडिकल का फॉर्मेशन करना है एज वेल एज सी एच रेडिकल का फॉर्मेशन करना है और जैसे ही सी एच रेडिकल एंड हाइड्रोजन रेडिकल फॉर्म होगा वहाँ पे सी एच एंड सी एच टू रेडिकल में बॉन्ड फॉर्मेशन हो के यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्कि का फॉर्मेशन होगा एक टर्मिनल पे और जो एच रेडिकल बना है वो दूसरी जो लॉन्गेस्ट चेन बन रहे उसके साथ रिएक्ट होके मिथिल का फॉर्मेशन करेगा एक टर्मिनल एंड पे तो दोनों जगह पे रेडिकल ही नहीं बचे हैं तो जो प्रोपोगेशन स्टेप थी या फिर चेन इलोंगेशन जो स्टेप थी वो क्या होगी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी सो इट इज कॉल्ड एज चेन टर्मिनेशन रिएक्शन तो इसे क्या कहेंगे चेन टर्मिनेशन रिएक्शन और इन चेन टर्मिनेशन रिएक्शन दिस प्रोपोर्शन रिएक्शन लॉस ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है सो इट इज़ कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन इसे क्या कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है यहाँ पे क्या कहेंगे हम उसे सो इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड सो इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन ठीक है इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद इन वन स्टेप सो इट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो ये था हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो फ्री रेडिकल वाला पार्ट है फ्री रेडिकल के बेसिस पे हम एडिशन पॉलिमराइजेशन कैसे कर सकते हैं यहाँ पे हमने डिस्कस किया ठीक है तो ये आज का लेक्चर था इसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म डिस्कस किया फर्दर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कौन सा कैटनिक एंड एनॉइनिक पॉलीमराइजेशन समझ में आ रहा है एस और नो समझ में आ रहा है वेरी गुड अगर आपको ये समझ में आ रहा है इसका मतलब है आपके एग्जाम में जैसे ही आता है आप इसके बेसिस के जो एग्जाम्पल से वो इजीली आंसर कर सकते हैं, क्लियर है जो फोर्थ लेक्चर था वो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है इसके बेसिस पे पॉलीथीन सिमिलर मैकेनिज्म से पॉलीथीन ये हमने क्या फॉर्म किया है ध्यान से देखो ना यहाँ पे मोनोमर यूज किया है इथिलिन इथिन यहाँ पे तो जो पॉलीमर फॉर्म होगा वो क्या होगा ये पॉलीमर जो है ये पॉलीमर हमें जो मिला है वो क्या होगा ये जो पॉलीमर है वो पॉलीथीन होगा पॉलीथीन बैग तो यहाँ पे जो पॉलीथीन जैसे हम फॉर्म करें वैसे भी पीवीसी पॉलीविनिल क्लोराइड भी फॉर्म करेंगे इसमें सिमिलर मोनोमर पैन यूज करेंगे पॉलिट्रिलोनाइट्रिल सिमिलर है पॉलिस्टायरिन सेम मेथड इसी मेथड से जनरली यहाँ पे हमने यूज क्या किया है सेम काइंड ऑफ मोनोमर तो इट इज कॉल्ड एज होमो पॉलीमर सेम हम क्या कहेंगे होमो पॉलीमर और होमो पॉलीमर में भी इट इज एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर वाई इट इज एडिशन पॉलीमर यहाँ से कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है वाटर वो बाहर नहीं निकल रहा है यहाँ से कोई भी एसिड बाहर नहीं निकल रहा है अमाइन बाहर नहीं कोई भी चीज यहाँ से इलिमिनेट नहीं हो रही सब अंदर के अंदर यूज हो रही तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर अगर कंडेंसेशन में अगर दो मोनिमर हम यूज करते हैं और दोनों का कंबाइन करके कंडेंसेशन करके वाटर मोलिक्यूल लॉस हो रहा है नाइलॉन सिक्स सिक्स एडिपिक एसिड एग्जाम एग्जामिथिलीन डायमाइन फॉर्मेशन ऑफ अमाइड वहां पे वो लॉस ऑफ वाटर मोलिक्यूल सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच पॉलीमर जल्दी से जल्दी आंसर करो पॉलीमर का नाम है कंडेंसेशन पॉलीमर, पॉलीमर हम यूज कर रहे हैं वहां पे को पॉलीमर के एग्जाम्पल नाइलॉन सिक्स सिक्स ठीक है तो यहां पे हम स्टॉप करते हैं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सॉरी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यहां पे हम स्टॉप करते हैं थैंक यू सो मच थैंक्स लॉट